वैक्सीनेशन का वादा, आरजेडी ने साधा निशाना, भेदभाव का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में संपूर्ण राज्य के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। अब आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने बीजेपी के वादे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। टीके का राजनीतिक इस्तेमाल बताता है कि बीजेपी के पास बीमारी का फायदा उठाने के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या बीजेपी अपने पार्टी खजाने से बिहार में टीके लगवाएगी? यदि टीके सरकार के खजाने से लगने वाले हैं तो फिर सिर्फ बिहार ही क्यों? बीजेपी का यह वादा उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है, जो कि पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। भाजपा पर चारों तरफ से हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए पार्टी की तरफ से आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कोरोना का मुफ्त टीका देने का वादा किया है। ये सभी कार्यक्रमों की तरह है। केंद्र राज्यों को मामूली दर पर टीका प्रदान करेगा। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वे इसे मुफ्त में देना चाहते हैं या नहीं। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, बिहार भाजपा ने इसे मुफ्त देने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।